प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बांस के बने कई प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, जैसे सोफा, मेज, कुर्सियां, चटाई, ड्राइंग रूम में सजाए जाने वाले अन्य सामान। पर आपको बांस की बनी राखी अब की बार भाइयों की कलाई पर नजर आएंगी। जी हां, भारत के किसी कोने में नहीं मिलेगी ऐसी राखियां जो गोरखपुर में पहली बार बनाई जा रही हैं। यह सच है, ऐसा कारनामा कर दिखाया है गोरखपुर के कैंपियरगंज के एक गांव लक्ष्मीपुर की महिला समूह ने। लक्ष्मीपुर में स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर में यह महिलाएं पिछले कई साल से बांस से बने प्रोडक्ट बना रही हैं, पर इस बार इनके दिमाग में आया कि कुछ नया किया जाए और उन्होंने यूट्यूब से देखकर कुछ राखियों का डिज़ाइन भी निकाला। यह डिज़ाइन देखते देखते लोगों की नज़रों को भाने लगी। जब इस बात का पता जिला फॉरेस्ट अधिकारी विकास यादव को चला तो उन्होंने तुरंत इससे जुड़े संसाधन उपलब्ध कराएं और राखियों को बनाने का काम जोरों शोर पर शुरू कराया। इस काम में लगी लगभग 20 से 25 महिलाओं की मुखिया बिंदु का कहना है कि हम यह काम कई वर्षों से कर रहे हैं, हालांकि उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिल पाते हैं, पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने के बाद हमारे प्रोडक्ट गोरखपुर के चिड़ियाघर में बिकने लगे हैं। यहां पर एक स्टॉल लगाया गया है। हमारे दिमाग में राखी का आइडिया समूह की एक बच्ची के मोबाइल पर यूट्यूब में देखने के बाद आया और हमने निर्णय लिया कि हम भी बांस से निर्मित राखियाँ अपने हाथों से बनाएंगे। बिंदु, ये बताइए, आप लोग बांस का क्या क्या बना रही हैं और राखी बना रही हैं, तो कितनी मेहनत लगती है, कैसे बनाती हैं इसको? बहुत मेहनत लगती है, राखी में तो बहुत मेहनत लगी है, फिर भी सीखी नहीं थी, इसका ट्रेनिंग नहीं हुआ था राखी का। नाव, गुलदस्ता, प्लेट, ज्वेलरी, ये सब का ट्रेनिंग हुआ था। ये वाला 2-4 दिन के पहले बताए हैं, तो ऐसे ऐसे वीडियो कर करके मोबाइल से सीखे। मोबाइल की वीडियो से सीखे? जी सर। कितने तरह के डिजाइन बना दिए तुम लोग? यही जो बनाए हैं यही सब है। एक दर्जन से बेसी है सर। अच्छा, इतना मेहनत लग रहा है, मन कैसा लग रहा है इसको बनाने में? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। कैसे इसको मार्केट में बेचोगे तुम लोग, खुद भी ले जाओगे या कुछ और भी? इसका दुकान खुला है, खुला तो चुड़िया घर में, वहाँ पर बिकेगा। अभी तो सब कह रहे हैं कि इसका फी होगा, ये प्रदर्शनी होगा, तभी बिकेगा। लेकिन इसको राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के अंतर्गत हमारे गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपेगंज रेंज में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई थी और जिसमें बांस के उत्पादों को बनाने के लिए लगभग सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। अभी तक हम लोग बांस के विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। चिड़ियाघर में हमारे पास एक दुकान भी है जहाँ इसके माध्यम से इनकी बिक्री की जाती है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन पर आजकल प्लास्टिक की राखियाँ की एक भरमार हो जाती है, तो या फिर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल आजकल बढ़ता जा रहा है इस्तेमाल, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन होता है और वो डिग्रेडेबल आइटम नहीं होते हैं। तो इसी को एक कंसेप्ट में लाते हुए कि यह बांस की अगर राखियाँ बनाई जाएँ तो ये एकदम से पर्यावरण के लिए बहुत ही आराम से डिग्रेडेबल होने वाली चीज़ है, उपयोगी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, एकदम हल्की है ये। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने किसी सामान्य सुविधा केंद्र में हमारे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांस की राखियों की सौगात प्रदेश को हम देने जा रहे हैं और ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बांस की राखियाँ बनाई जा रही हैं। ये जो महिलाएं इसमें स्वयं सहायता समूह की काम कर रही हैं, इसका लाभ या लाभांश इनको कैसे मिलेगा, क्या कुछ आप लोगों ने उसके लिए खाका बनाया है? देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इनको जो है सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए और उसके लिए हम लोगों ने इनको जो है बिक्री के लिए यहाँ पर जो कैंपियरगंज है यहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है, मतलब कच्चा जो माल होता है बैम्बू का उपलब्ध हो जाता है
और इसकी बिक्री के लिए हम लोगों ने जगह जगह जहाँ भी हम लोग को मौका मिलता है प्रदर्शनी हम लोग लगाते हैं, और चिड़ियाघर में एक पर्टिकुलर जो है दुकान की व्यवस्था की गई है, और चिड़ियाघर में भारी मात्रा में लोग आते हैं और उसकी जो है बिक्री की व्यवस्था वहाँ उचित व्यवस्था हो रही है। बैम्बू के उत्पाद की भी जो है स्टार्टिंग से थोड़ा कम बिक्री हुई, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। इसी तरीके से जब राखियाँ जब प्रदेश में पहली बार जो बन रही हैं बांस की राखियाँ, ये जब वहाँ पहुँचेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदेंगे, और चिड़ियाघर में भारी मात्रा में लोग आते हैं तो भारी मात्रा में इसकी बिक्री भी होगी। अभी लगभग 30 से ऊपर महिलाएं इसमें कार्य कर रही हैं, और जो कि इनके लिए एक बहुत ही अच्छा आमदनी का स्रोत बनता जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।